हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी गाइस। मैं जेपी नजोर दिल्ली से। गाइस ये आरएस है, RS 200। इस बाइक में इतना ज़्यादा फॉल्ट है, आज से ज़्यादा। मतलब ये बाइक जो है ये एक्चुअली मेरी खुद की है, मैं खुद ही से इतना परेशान हूँ जिसकी कोई वो नहीं है। ये गाड़ी लिए मेरे को ज़्यादा मैक्सिमम 3 से 4 महीने हुए हैं, और इसमें मतलब एक मैकेनिक होते हुए भी इसमें काफ़ी मेंटेनेंस आ चुका है। वो एक बार डिटेल में बताता हूँ कैसे। मैंने ये 2000 एक्चुअली 2017 मॉडल है। अर्ली कितने की थी? 65 की ली थी, 65,000 की। गाड़ी में जिस टाइम ली थी उस टाइम क्या था, इसके पेट्रोल सड़ा हुआ था, कस्टमर ने चला दिया और वो वाल इसके चिपक गए थे, मतलब वो हो गए और बैंड हो गए थे। तो मैंने अब इसके वाल रिप्लेस कर दिए, कस्टमर ने डिलीवरी सेल करनी है, मैंने परचेज कर ली इसको। तो वाल मैंने रिप्लेस करके गाड़ी स्टार्ट करी। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट करी और 6th गियर में गाड़ी टेस्ट ड्राइव ली, तो 6th गियर में इसमें आवाज़ थी, मतलब 6ठा गियर कटा हुआ था इसका। तो दोबारा इंजन खोलना पड़ा, 6ठा गियर दोबारा डाल दिया मैंने खोल के। पिस्टन रिंग वगैरह कोई दिक्कत नहीं आई। तो चलती रही, 1 डेढ़ महीना चली। उसके बाद ये वाइट स्मोक करने लगी, इंजन ऑयल कम करने लगी। फिर दोबारा खुलवाया इंजन खुलवा के दोबारा पिस्टन रिंग चेंज करके। ठीक है गाइज, ये तो हुआ था इंजन का काम 3-4 महीने, 1.5-2 लेने के 1.5 महीने के बाद। अच्छा, जैसे अभी चली है लेने के बाद ज़्यादा 700-800 किलोमीटर, 700-800 किलोमीटर चलने के बाद अब इसमें आगे क्या है, चार्जर की समस्या। RR यूनिट की समस्या इतनी ज़्यादा है इस बाइक में, जिसकी मतलब मैं कह नहीं सकता। हर बाइक का RR यूनिट तो रिप्लेस होना ही होना है। अगर कोई यूज़र है वो RS ये वीडियो देख रहा है तो बताना आपका रिप्लेस हुआ नहीं हुआ चार्जर, जो सीट के नीचे, बैक सीट के नीचे लगा होता है। इसमें मैंने जो इंस्टॉल किया है इसका नहीं किया, इसमें मैंने इंस्टॉल किया है RTR 200 का। दिखाता हूँ एक बार। मतलब बेकार बाइक है भाई, भूल के ही मत लेना कभी। एक्चुअली में ये देखो, अब पिछले ये जो मैंने अभी रिप्लेस कराया है ये मैक्सिमम हुआ होगा 15 दिन के राउंड। अच्छा, 15 दिन हुए हैं RR रिप्लेस किए हुए। अब देखते हैं इससे क्या रिस्पॉन्स आता है। RTR 200 का हो सकता है इसका भी डालना पड़ जाए। तो पहले मैंने अभी वीडियो बनाई नहीं इसकी, वही क्योंकि इसके RR में बहुत ज़्यादा शिकायत है। और गाइज 15 दिन बता रहा हूँ, 15 दिन हुए हैं। इसके बाद अब क्या समस्या आ गई इसमें, अब दिखाता हूँ इसमें। इसी गाइज जो हेडलाइट की ब्रैकेट होता है ना, जो चेसिस में होता है, वो टूट गया इसका। इधर लेगा, यहाँ देखिए, इसमें देखा घुमा, ये शायद दिख रहा होगा आपको। ये जो ब्रैकेट है ना पत्ती, ये दोनों साइड से क्रैक होगी। अरे ये हिल रहा है, देखो ये अगला माउथ पूरा हिल रहा है। अरे जो गाड़ी चली है ना, गाड़ी चली है 16,800, और मैंने 16 यानी लेने के बाद ये मैक्सिमम यानी 800-900 किलोमीटर चलाई है मैंने परचेज़ करने के बाद। तो मैंने तो ली थी ये, जो बाहर की ट्रिप है, मैं सोच रहा लद्दाख जाऊँगा, पर इन गाड़ियों की हालत देखते हुए मेरे को लगता नहीं ये बाहर के ट्रिप के लिए कामयाब है कि नहीं है। ठीक है, बाकी मैंने सेकेंड हैंड परचेज़ करी थी, नहीं तो ली नहीं है। लेकिन गाड़ी साफ़ थी, सुथरी थी, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार की। पर लेने के बाद भी मैंने इतना काम कर चुका हूँ, तो एक आम कस्टमर के साथ कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना। जो RS 200 ले रहे हैं वो परेशान है या मेंटेनेंस फ्री चलती है? मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है इनका। एक मैं मैकेनिक होते हुए भी इतना मेंटेनेंस वो कर रहा हूँ, कभी ये टूट गया, कभी RR फूक गया, कभी कोई दिक्कत आ रही है। हाँ, इंजन में इसमें मैंने खाली जो जिस टाइम ऑयल खाई थी ना, उस टाइम मैंने खाली इसके पिस्टन के रिंग चेंज करे थे, उस टाइम किट चेंज नहीं करवाई, क्योंकि पिस्टन का ठीक था, साफ़ था, सिलेंडर भी बिल्कुल साफ़ था। तो मैंने रिंग मिल गए और मिल गए थे ओरिजिनल KTM के जेनवन। ठीक है, वो अराउंड आए थे 350 के, 300-350 के राउंड आए थे, तो वो डाल दिए। उसके बाद तो चल गई हुई 700-800 किलोमीटर, 700-800 किलोमीटर चली है, 300-400 किलोमीटर चली है। तो वाइट प्लग है, वो मैंने खोल के चेक कर लिया। मतलब हद से ज़्यादा मेंटेनेंस है यार इसी गाड़ियों का। अब मैं बाहर ले जाने सोच रहा हूँ इसको, एवरेज अभी जून में सोच रहा हूँ इसकी लद्दाख टूर करूँ, पर मतलब दिल सा नहीं मान रहा, कभी रास्ते में खड़ी ना करते, ये चीज़ें हो रही हैं। तो RS यूज़र है वो जरूर बताना ये गाड़ी बाहर ले जाने के लायक है, मतलब ट्रिप पे कहीं ले जाने के लायक है कि नहीं है। मैं मन में आ रही थी इसको सेल आउट कर दूँ। ठीक है, अब इसकी जो है ना, ये जो हेडलाइट का ब्रैकेट टूटा हुआ है, ये वेल्डिंग कराऊंगा। वेल्डिंग कराऊंगा कि मैं खुद करूँगा। ठीक है, अभी वेल्डिंग के यहीं पर ही बना रहा हूँ वीडियो, ये वेल्डिंग करूँगा। मतलब इस बाइक से मैं परेशान हो गया हूँ 1.5-2-3-4 महीने में ही, मतलब इतना बार मेंटेनेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये RS भाई मैं तो सलाह देता नहीं किसी को, ले लो। हाँ, पिकअप अच्छा है, सारी चीज़ें ठीक है, पर मेंटेनेंस हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ निकलता ही रहा है। बहुत परेशान कर दिए इसने भी। और जो ले रहे हैं मेरे पास आते हैं कस्टमर, खुद कहते हैं यार बहुत ज़्यादा खर्चा है। ठीक है, तो RS लेना तो सोच समझ कर लो। ठीक है, इससे बड़ी यार मेरे को जो लगती है ना R15 लगती है। R15 का इतना मेंटेनेंस नहीं है V2 का, अगर उसको मेंटेनेंस सही रखा जाए तो। स्टार्टिंग में इनमें वायरिंग में बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है, जो अपनी BS3 है वायरिंग का। बाकी इंजन बेस्ट है, इंजन में कोई दिक्कत नहीं आती जल्दी से। ये वायरिंग से रिलेटेड और ये चार्जर कभी कुछ छोटे मोटे फॉल्ट आते रहे। बाहर के ट्रिप में मैंने अभी लेके नहीं गया हूँ। ठीक है, कोई देख रहा हो जो ट्रिप पे लेके गया है तो एक बार कमेंट करके बताना भाई लेके जाऊँ ना लेके जाऊँ, सक्सेस होगी कि नहीं होगी मेरे को कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अब मैं इसकी वेल्डिंग करूँगा और इसको गाड़ी को देखते हैं बेस सेल आउट करूँगा कि नहीं करूँगा। बाकी एक बार ट्रिप जरूर करके देखूँगा अगर किसी यूज़र्स का कमेंट आ गया तो। ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो गाइज मेरे यूट्यूब चैनल पर आती रहती हैं, और वीडियो को कर दो लाइक। मिलते हैं ऐसे ही नई टॉपिक पर, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।